कोई नंदू पुत्र, इतनी देर हो गई, भाई पता नहीं कौन सी डिश बना रही। पता तो मुझे भी नहीं है मम्मी जी, वरना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी पुत्र। I present you, Calabicatas, Mexicana. इसे कैसे है खाना? ओहो मम्मी जी, ये मेक्सिकन क्यूजीन है। मैंने स्पेशल डिश भी बनाई है, कॉमरोनस लमहो। नंदू पुत्र, ये ना बड़े खतरनाक टाइप के नाम ले रही है, मुझे लगता है हमें भाग जाना चाहिए। मम्मी जी, अरे तेज कीजिए, कितनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ बनाया। प्लीज, इसी बात का तो डर है कि इसे तूने अपने हाथों से बनाया है। हैं? आपने कुछ कहा मम्मी जी? नहीं पुत्र, जस्ट वेट फॉर वन मिनट, ओके? ओके। नंदू पुत्र, अगर इसे खाने के बाद मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी इस बहू को मत देना। वो तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा मम्मी जी, पर आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर का नंबर मेरे मोबाइल के स्पीड डायल में रेडी है, आप बिंदास खाइए। ओहो, आप दोनों क्या खुसर खुसर कर रहे हो। मम्मी जी प्लीज टेस्ट कीजिए ना। ओहो, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, लाखों मरोना। मम्मी जी खाइए। कैसा लगा मम्मी जी? एक और आपके लिए खास। ये चला गया। ओह, एक और मम्मी जी, आलम हो लाल हो। मम्मी जी एक मिनट, मैं वहाँ आती हूँ। मम्मी जी आपके हाथों, मम्मी जी मम्मी जी को क्या हो गया, क्यों चले गए ऐसे हैं? वो चंदू, क्या हुआ होगा ना, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी बना है ना, तो वो एक्साइटमेंट के मारे ना जगह बनाने के लिए बाथरूम चली गई ताकि और खा सके। तुम भी टेस्ट करो ना। नहीं, मैं भी थोड़ी जगह बना के आता हूँ, फिर सारा खा लूंगा। नहीं नंदू, मेरे हाथों से टेस्ट करो और बताओ कैसा लगा। बहुत बहुत अच्छा चंदू, ऐसा खाना तो 5-star होटल में भी नहीं मिलता है, मैं तो पैसे देकर खा सकता हूँ ये खाना। सच नंदू, शाबाश, अब मुझे यकीन हो गया है। किस बात का यकीन? कि मैं अपनी जॉब छोड़कर एक कुक बन जाऊँ। मतलब ये कि अपनी जॉब छोड़कर मैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलूं और ऐसे कितने सारे डिशेस तुम्हें और पूरी दिल्ली को खिलाऊं। मैक्सिकाना, मैं आई यहाँ ना। नहीं, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। लगता है चंदू नौकरी छोड़ रही, ये खबर सुनकर मम्मी जी के दिमाग पर असर हो गया है। ओए, दिमाग पर नहीं, मेरे पेट पे असर कर गई है। मम्मी जी। और जब से तूने वो बात मुझे बताई है ना, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे मम्मी जी, मैं सच कह रहा हूँ। पुत्र, जिस औरत का खाना कुत्ते बिल्लियाँ यहाँ तक कीड़े नहीं खाते, वो क्या पूरी दिल्ली को खाना खिलाएगी? मम्मी जी, नंदू ने बता दिया आपको? बताया नहीं पुत्र, इसने ना मुझे डराया है। हे, अच्छा, फिर ना आप इसके चेहरे की तरफ मत देखा करो, कभी कभी मैं भी बहुत डर जाती हूँ। फिटे मुंह, ए, तेरे रेस्टोरेंट खोलने की बात सुनाकर डराया है। मम्मी जी, आप इस बात के लिए खुश नहीं है? पुत्र जी, जिससे पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाए, उस बात से पहले मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? हे, पूरी दिल्ली मेरा खाना देख कर डर जाएगी, क्यों मम्मी जी? आप बिल्कुल ठीक बोली। अच्छा, अब समझ में आया। आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बहाना बना के बाथरूम में चले गए हैं ना? तेरा बनाया हुआ खाना खा के पूरे दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाएं, उससे पहले तू अपना आइडिया छोड़ दे। छोड़ दे पुत्र, छोड़ दे। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा खाना आपको पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। नंदू को भी पसंद आया है ना नंदू? हाँ बिल्कुल। हाँ मम्मी जी, और मेरे ऑफिस वालों को तो और भी ज्यादा पसंद आई है। यकीन नहीं हो रहा ना, आप देखो, वो देखो, रहने दो, ऊपर ही देख लो। आज क्या टेस्ट का धमाका लेकर आई हो चांदनी जी? अरे आज मैं जो लाई हूँ ना, उससे तुम्हारे टेस्ट बट में टेस्ट का तहलका मच जाएगा। मेरा मेक्सिकन क्यूजीन, कॉमरोन्स लमहो आहो। देख क्या रहे हो, टूट पड़ो, ये लो। भाई मजा आ गया। मैडम,
ऐसी ऐसी डिशेस कल भी बना के लाना। थैंक यू थैंक यू। देखा, मुझे ना यकीन सा नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। बाकी मैं अपने ऑफिस वालों के लिए एक नई डिश और तैयार करने जा रही हूँ, इसलिए बहुत सारी तैयारी करनी है। नंदू पुत्र, पता लगा वो कौन से लोग हैं जिन्हें बहू का बनाया हुआ खाना पसंद आया है। ये सब सब कहाँ गायब हो गए? अरे हेलो हेलो, हाय 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 हाय, अरे आप लोग नीचे क्या कर रहे हैं? वो गिर गया था। गिर गया था क्या? ये गिर गया था। ये बहुत गिरा हुआ है ना, इसलिए मैं इसे उठा रहा था। अब अब ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने कहा था ना तुम लोगों के लिए नई मैक्सिकन डिशेस तैयार करके लाऊं, तो मैं डिशेस बना के लाई हूँ। वाओ, नई मैक्सिकन डिश टेस्ट करो, बताओ कैसी है। वाओ वाह वाह मैम, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। खुशबू? अरे भाई खुशबू नहीं, मेरा नाम चांदनी वर्मा है। इतने साल हो गए ऑफिस में काम करते हुए, नाम तक नहीं पता तुम लोगों को है? मैम ये डब्बे की खुशबू के बारे में बात कर रहा था। तुम लोग टेस्ट करो, अगर ये डिश भी हिट होगी ना तो मैं अपने रेस्तरां के मेनू में ये भी लिख दूंगी और पूरी दिल्ली में तहलका मच जाएगा। अब रेस्टोरेंट खुलेंगे। हाँ है ना ये खुशी के बाद? बहुत बहुत ना। ये लो पकड़ो तो सही। फोन आ रहा है, मैं जरा फोन लेकर आती हूँ, तब तक आप लोग टेस्ट करो। ओके भाई रोक ले। भाई तू ये खाना उधर रख, रख उसको, ये खाना मत खा नहीं तो आज भी तुझे उल्टी करनी पड़ेगी। हाँ यार इसे खा कौन रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चांदनी जी को रेस्टोरेंट बनाने से रोक ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे यार तू पहले ये सोच कि अगर आज भी हमने ये खाना मजबूरी में नहीं खाया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्सा होकर हमारा प्रमोशन रुकवा दे। देख भाई बचा लेना यार। देख भाई मैं ये नहीं खाना चाहता यार, मुझे जहर दे दे यार। हाँ यार वाकई में इतना घटिया खाना तो मैं भी नहीं खा सकता। सुन हाँ सुन, चांदनी जी का ध्यान वहां पर है, एक काम करते हम दोनों पतली गली से निकल लेते। चल चल। हाँ तो कैसा लगा? अरे खाना छोड़कर ये लोग कहाँ चले गए? ओ बॉस ने बुलाया होगा, कोई बात नहीं जब वापस आएंगे तब मैं उन्हें खिला दूंगी। हेलो मम्मी जी, पैरी पौना जीवंदर है, खुश रह जवानी अमान। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया कि तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी मैं तो बहुत मजे में हूँ। अरे मम्मी जी मुझे भी बात करनी है। अरे ना ओए पप्पू कैसा है तू? ओए भाई कैसे हो, और भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? अरे सब ठीक है यार, मगर मैं ठीक नहीं हूँ, तू प्लीज जल्दी वापस आ जा। भाई मैं क्या जुलाब की गोली हूँ कि मेरे आने से ठीक हो जाओगे? अबे चुप कर यार, तू जो चंदू से 15,000 रुपए लेकर गया ना, उन पैसों की हम सबको बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चंदू अपनी नौकरी छोड़ने वाली है, इसलिए तू ना प्लीज वो पैसे लेकर वापस आ जा। क्या भाभी ने जॉब छोड़ दी? अरे भाई फिर मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं कर सकती भाई। मैं वापस आता हूँ और भाभी के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, भाभी से भीख मांगता हूँ, लेकिन भाभी को जॉब नहीं छोड़ने दूंगा भाई, वरना मेरा खर्चा कैसे चलेगा। भाई तुम सुन रहे हो? भाई मैं वापस आ रहा हूँ। ओए पुत्र सुन, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारी आवाज मम्मी जी जैसी फटी हुई क्यों लग रही है? मानो खाने मर जाने, मैं तेरी मम्मी जी बोल रही हूँ। मैं भी तो सोचू की भाई की आवाज इतनी स्वीट कैसे हो गई। मर जाने सब समझती हूँ मैं, खसमानू खाने। सुन तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, समझा? अरे मम्मी जी आप ये सब कैसे हैंडल करेंगी, चंदू तो नौकरी छोड़ने पर उतारू है। उतारूंगी तो अब मैं उसके सिर से ये रेस्टोरेंट खोलने का भूत। और कैसे? पुत्र अगर मेरे अलावा उसे कोई दूसरा भी ये कह दे कि वो बहुत ही घटिया खाना बनाती है तो हो सकता है उसे अकल आ जाए। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी जी, ये जानलेवा हरकत करके अपनी खुशी के लिए बलिदान देगा कौन? है एक बंदा, अब देखना कैसे मैं फंसाती हूँ बंदा। अरे भाई जल्दी करो, अरे जल्दी खाना लगाओ। अरे कहाँ चले गए? ओए बंद कर दे वरना मेरा दिमाग फट
जाएगा। घट जाएगा, लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया नहीं तो घट कैसे जाएगा? ओए घट तो तू इस दुनिया से जाएगा अगर ये प्लेट बजानी बंद नहीं की तो। गंद नहीं की? मैं तो गंद कभी नहीं करता, मैं तो बड़ा पवित्र मनुष्य हूँ। तो क्या विचार है स्वीट हार्ट, डेट पे चले? बहुत जल्दी कर, जल्दी जीरा बैट खसमन खा लिया। ये लीजिए मेरा मैक्सिकन क्यूजीन रेडी है, डाल दे। हैं पुत्र परोस दे, मेहमान आए, मेहमान आए। हाँ जी मम्मी जी, मेरा मैक्सिकन फूड टेस्ट करने के लिए आपने लोगों को बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। पुत्र खुश तो मैं भी बहुत होंगी जब ये तेरे खाने की तारीफ करेंगे। ए सुटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, सुटी 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 तेरा प्यार चाहिदा। ओए मर जानिया गाना क्यों गा रहे है? सारा अभी अभी तो तुमने कहा कि गाना गा, तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा रोमांटिक गाना गा रहा हूँ। सुटी 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 खाता हूँ, खाता हूँ। जब ये खाना खा के बिदक जाएगा ना तो चंदू के दिमाग से सारा खुमार उतर जाएगा। का करेगा? हाय, इसका मतलब मेरी मैक्सिकन डिश कमरोन लेमा हिट हो गई है, अब तो मैं रेस्टोरेंट खोल के रहूंगी मम्मी जी। यप्पी, मजा आ गया। ओए मर जानिया, इतना घटिया खाना तू खा कैसे गया? डार्लिंग बात यह है कि मेरे दिन की शुरुआत देवी की डांट से होती है, उसके बाद मोहल्ले वालों की डांट खाता हूँ, और फिर जिनका कुछ खाया नहीं होता ना उनके यहाँ जाके उधार खाता हूँ। मैंने बड़ा बड़ा उधार लेके डकार दिया। ये डिश तो बड़ी मामूली चीज है और फिर फ्री की। अरे मेरी जान, फ्री का तो मैं जहर भी खा के पचा जाऊं। हाँ मर चलिया, जहर तो तू आज खाएगा। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी रुक जाइए ना। अरे मम्मी जी रुक जाइए, रुक जाओ, इस एलियन ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अरे मम्मी जी, क्यों इसे मार कर अपने हाथ गंदे कर रही हैं आप? और आप क्या यहाँ पर मरने की राह देख रहे हो? उसे मैं डालने मैं बाद में आता। अच्छा बाय बाय, भाग भाग। अरे मम्मी जी कंट्रोल कंट्रोल, मम्मी जी कंट्रोल कंट्रोल। अब तो बहू का विश्वास अपने खाने पर और बढ़ गया होगा। पुत्र अब तो वो रेस्टोरेंट खोल कर रहेगी और अपनी ऑफिस वाली नौकरी भी छोड़ कर रहेगी। अब हमारा क्या होगा मम्मी जी? पापा जी, खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बहू क्या कर रही है मेरी बच्ची? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सा मैथ्स कर रही थी। देख भाई बहू, इस उम्र में तू कितना भी पढ़ ले पर आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठ सकती। ओहो मम्मी जी, मैं आईएएस की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने रेस्टोरेंट का हिसाब किताब कर रही हूँ। मेरी लाडो, ये व्यापार का विचार ना कर सकता है तुझ पर अत्याचार। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि बिजनेस से कुछ नहीं होगा, नौकरी करने से कार चलेगा। नहीं मम्मी जी, बिजनेस करने से घर दौड़ेगा, आप देख लेना। ओए नंदू पुत्र, मुझे लगता है कार के साथ साथ ये हमें भी बिठा देगी। पुत्र मेरी बात मान, एक बार ना सर्दियों के दिनों में इसके ताऊ जी ने भी दूध का बिजनेस करने के बारे में सोचा था। तो फिर वो दूध लेकर मार्केट में भी गए थे। फिर 3-4 दिन हो गए भाई, दूध के साथ साथ उनका भी दही जम गया पर दूध नहीं बिका। फिर क्या हुआ मम्मी जी? फिर ईंट की भट्टी में ले जाकर पिघलाना पड़ा। दही को? तेरे ताऊ जी को। इसलिए कहती हूँ बिजनेस बिजनेस का विचार छोड़ दे मेरे यार। नहीं मम्मी जी, मेरा व्यापार है मेरा सच्चा प्यार, नहीं छोड़ सकती मैं ऐसे विचार। ठीक नहीं लग रहे आपके आसार, क्यों कर रही हैं आप मेरी कुकिंग पर वार, जबकि बाहर सब मेरी कुकिंग से करते हैं प्यार प्यार प्यार। वो प्यार नहीं, वो है अत्याचार। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। आप देख लेना, मैं नई डिशेस बनाकर अपनी कलीग्स को खिलाऊंगी और अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी लिखूंगी। मम्मी जी ना बिल्कुल सही कह रही है,
देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर स्पेशल डिश बनाओ और पूरे ऑफिस को खिलाओ और तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे रिजाइन करने से पहले ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया, तो फिर घर कैसे चलेगा, पॉकेट मनी कैसे आएगी हमारी? नंदू, तुम भी मम्मी जी से मिल गया, मेरी डिश की बुराई कर रहे हो। बाहु, ठीक है, सबको घर चलाने की पड़ी है, किसी को मेरी मर्जी की फिक्र ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रेस्टोरेंट अकेले खोलूंगी, तरह तरह की डिशेस बना के अपने कलीग्स को खिलाऊंगी और तारीफें भी लेकर आऊंगी, आप लोग देख लेना। मम्मी जी, अब तो आप पटियाले वापस जाने का बंदोबस्त कर ही लीजिए, क्योंकि चंदू की नौकरी तो गई समझो। ओए पुत्र, बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, चंदू की ऑफिस में इज्जत की भी बात है, और इस घर के हर सदस्य की इज्जत तारावंती वर्मा पटियाले वाली की इज्जत है, जिसकी मैं रक्षा करूंगी। अच्छा, तो अब करने क्या वाली है? तू देखता जा मैं क्या करती। आज तो इसने बॉस को भी खाने पे इनविटेशन दे दिया, आज तो इसकी नौकरी गई। चलो अच्छा है ना यार, ये फायर होगी, काम से कम इसकी झूठी तारीफ से तो बचेंगे ना। हाँ यार, सही में। आइए सर, आइए 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 सर, आइए आइए सर, आप आ गए। हाँ, आपको क्या लग रहा है वैसे? सर आपको देख के लगता नहीं आप आ गए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी डिशेस मैक्सिकन डिशेस बना के लाऊंगी और आपको इनवाइट करूंगी, तो मैं लेकर आई हूँ और ये रहा मैक्सिकन फूड। सर बस आप तेज करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अब देख क्या तमाशा होगा, बहुत मजा आने वाला है। सर प्लीज बताइए ना, आपको खाना कैसा लगा? It's like heaven. I like it. ये तुमने बनाया? Of course, sir. ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये मेरी special dish है। Comrons, almohad, aho. अरे हमें तो पता ही नहीं था। और राजमा को मैक्सिकन में कैमरोन समथिंग लाइक दैट ये बोलते हैं, पता ही नहीं था। आओ भाई आओ, टेस्ट करो, बड़ा अच्छा बनाया है कैमरोन। आ जाओ। सर ये मैक्सिकन फूड है, राजमा। इसमें तो मैंने राजमा नहीं मैक्सिकन डिश रखी थी, ये राजमा कहाँ से आ गए? वाह मम्मी जी वाह, कितने आसानी से आपने चंदू के मैक्सिकन डिश को राजमा के साथ बदल दिया और चंदू की नौकरी बचा ली। और पुत्र अभी नौकरी बची नहीं है, जब तक उस चंदू के दिमाग से ना रेस्टोरेंट खोलने का भूत नहीं उतर जाता। अच्छा, तो फिर आप भूत को उतारेंगी कैसे? तुम फिक्र मत कर, मेरा नाम भी तारावंती वर्मा पटियाले वाली है। क्या हुआ चंदू, तुम आज अपनी तरह क्यों लग रही हो? पता नहीं। ओहो नंदू, मैं अपनी तरह नहीं लगूंगी तो क्या मिसेस शर्मा की तरह लगूंगी? अरे नहीं नहीं, उनकी तरह मत लगना यार, उनकी तो मूछें हैं, तुम पर अच्छी नहीं लगेंगी। यार चुप हो जाओ, यार चुप हो जाओ। यार नंदू, इस टिफिन में ना गड़बड़ है, सुबह मैक्सिकन खाना लेकर गई थी और जब ऑफिस पहुंची तो पंजाबी खाना हो गया। हाँ, मुझे लगता है इसमें ना भूत प्रेत का साया है। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिस वालों को तुम्हारी ये बनाई हुई डिश अच्छी लगी क्या? नहीं ये तो लगी, लेकिन अगर मैक्सिकन डिश होती और तारीफ मिलती तो और अच्छा लगता है ना। हाँ, वहाँ वो लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं ना, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। बात करती हूँ, ये देखो। तो मेरे खाने के बारे में वो लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ चंदू, इस बात का तुम्हें एहसास होना, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो शूट किया है तुम्हारे लिए। ओ अच्छा, तो तुम लोगों ने खाना बदला और बनाया? बहू मैंने था। है? हाँ, देख भाई, तेरी बुराई तेरे मुंह पे करने का हक सिर्फ मेरा है, तो मैं दूसरों को क्यों बुराई करने दूं? इसलिए मैंने
खाना बनाकर तेरे खाने के साथ बदल दिया। हाय मम्मी जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं, पर सबकी शक्ल खतरनाक है। चांदनी, जस्ट वेट फॉर वन मिनट। ए, तू मेरी बुराई कर रही है कि मेरी तारीफ कर रही है? मम्मी मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ मम्मी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा चंदू, इसका मतलब तुम्हारा ऑफिस को छोड़कर जाना और रेस्टोरेंट खोलना कैंसिल। जितनी नलायक तू दिखती है ना, उतनी तू है नहीं। एक मिनट कहाँ गई? चाय, अमृत चाय की चुस्की मिटा दे सारी खुशकी, जो भी पिए उसका मन हो जाए मधुबन, खिल जाए तन बदन। ओए तन बदन, मुझे चाय बना के दे। अभी बनाते हैं मलाई मार के। मम्मी जी का फोन, जरूर भाभी के बारे में कुछ बताने वाली होंगी। हेलो मम्मी जी, पैरी पौना। मम्मी जी, भाभी कैसी है? भाभी, और जब से ये भोलू नलायक उसे घर लेकर आया ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे मम्मी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाभी के सर से नौकरी छोड़ने का भूत उतरा या नहीं? ओए मेरा नाम तारावंती वर्मा पटियाले वाली है, मैं तो बड़े बड़ों का भूत उतार देती हूँ। हाँ अच्छा, इसका मतलब अब भाभी नौकरी करने के लिए तैयार है? नहीं पुत्र नहीं, पर तू अब फोन छोड़ दे, क्योंकि तेरी चीखती हुई घटिया सी आवाज सुनकर ना वही मेरे कान में दर्द हो रहा है। प्लीज। थैंक यू मम्मी जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि भाभी अब नौकरी नहीं छोड़ेगी। यस। मम्मी जी, क्यों फोन किया आपने उसे? पुत्र, खुशी की बात पूरे परिवार को बतानी चाहिए। हाय बहू, तू फिर से कुछ बना कर ले आई? मम्मी जी, मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। पुत्र, मेरा ना पेट बहुत ज्यादा खराब है। ओहो मम्मी जी, ये तो आइसक्रीम है जो मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे लगता है मेरा पेट अब ठीक हो गया। पुत्र जा, तू काम कर। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा काम, मैं आइसक्रीम खाने नहीं जा रहा था बाहर। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां, खामोशियां।